हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टिंग कलिशन 20। मैं हूँ अलीशा और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी एक आसन किट बनाना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 11.5 बाय 10 इंचेस के 4 क्विल्टेड पीसेस चाहिए होंगे। इनको मैंने चारों कोनों से कर्व शेप में कट कर लिया है। तो ये देखिए, अब हमें 35 इंचेस का हैंडल चाहिए होंगे, दो पीस हैंडल 35 इंचेस के। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 पीस क्विल्टेड चाहिए होंगे 9.75 बाय 10 इंचेस के। यहाँ पर आपको ये कोनों से गोलाई में कट कर देना है, चारों कोनों से 1.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो ज़िप अटैच किया है उसका मेजरमेंट रखा है 11.5 इंचेस पर। यहाँ पर आपको 2 इंचेस के ऊपर मार्क लगाना है ऊपर से, और 11.5 इंचेस का ज़िप इसके ऊपर अटैच कर देना है। दूसरे के साथ भी हम सेम चीज़ करेंगे। अब उसके बाद हमने जो हमारे दो और क्विल्टेड पीसेस मैंने आपको बोला था पहले, तो वो लेने हैं। इनको हम अपने ज़िप वाले पीस के साथ अटैच करेंगे। तो इनको इसके नीचे रखेंगे और इसको अटैच कर देंगे, इसको साथ में जोड़ देंगे। अब ये दूसरा वाला जो है इसको भी इसके साथ हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मैंने कर्व शेप ऊपर वाले को दिया है वही कर्व शेप हमें नीचे वाले को भी दे देना है चारों कोनों से। तो चलिए इसको सिलकर पहले मैं रेडी कर लेती हूँ दोनों को। तो ये देखिए, मैंने सिलकर दोनों को रेडी कर लिया है। ये पीछे से कुछ ऐसे दिखेगा और फ्रंट से ऐसे। देखिए, ज़िप खोलने पर पीछे वाला ऐसे दिखेगा। तो अब इसके बाद हमें एक और क्विल्टेड पीस चाहिए होगा, जो कि होगा 22.5 बाय 5 इंचेस। अब इसके बाद हमें 4 ज़िप लेना है जिसका मेजरमेंट 17 इंचेस का होगा। 1, 2, 3, 4, मैंने 4 ज़िप ले लिया। अब इसके बाद हम पहले अपना 2 ज़िप लेंगे, इस ज़िप को इस ज़िप के ऊपर रखेंगे, ऐसे करके हमें इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। कि जो बचा हुआ हमारा 2 ज़िप है उसको भी ऐसे ज़िप के ऊपर रख के हमें सिलाई लगा देना है। अब इसके बाद हमें 3 पीसेस चाहिए कोर लगाने के लिए 17 बाय 1 इंचेस के। तो पहले तो इसको ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे दूसरी तरफ से फोल्ड कर लीजिए। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद ऐसे बीच से फोल्ड कर लीजिए और ऐसे ही करके हम इसके ऊपर पूरा कोर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको मशीन से लगाकर बता देती हूँ। पहले मैंने ऐसे करके फोल्ड करके मशीन से इसको सिलाई किया। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर मशीन चलाते रहना है। हमें इसको इक्वली फोल्ड करना है ताकि दोनों साइड से एकदम इक्वल आए। अब इसके बाद हम इसको दूसरा साइड में टर्न कर देंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। टर्न करते हुए यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ से, अब ऐसे करके पलट कर फिर दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें ये अटैच कर लिया। अब ये वाला जो 9.75 वाला पीस था ना, उसको लेंगे और इसके ऊपर हम ज़िप वाले पोर्शन को ऐसे उल्टा करके रख देंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको ऐसे अटैच करके सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कोर अटैच कर देंगे दोनों तरफ में। तो ये देखिए, मैंने कोर भी अटैच कर दी है। अब इसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे, इसको सीधा कर देने के बाद यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। तो पहले इसको इस वाली सिलाई से मिलाते हुए हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और दूसरी तरफ में भी मार्क लगा देंगे।
अब इसके बाद इसको मार्क को मार्क के साथ मिलाते हुए दोनों तरफ दोनों साइड्स में ही हम मार्क लगा देंगे। अब इसके बाद हम अपना ये वाला पीस लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हम मिडल का मार्क लगा लेंगे। ये चारों तरफ से हम मिडल का मार्क लगा के मार्क को मार्क के साथ मिलाते हुए हम सिलाई कर देंगे। यहाँ पर ऐसे क्लिप्स की मदद से चाहे तो आप अटैच कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपका सिलाई हो जाएगा। तो मैंने सारे मार्क को मार्क के साथ मिलाते हुए यहाँ पर अटैच कर लिया है क्लिप्स की मदद से। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, पूरा यहाँ पर राउंड स्टिच दे देंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर पूरा सिलाई लग गया है अंदर से, और बाहर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम इसको अंदर से सिलाई देंगे अपने पीसेस को। ये जो मैंने तीन पीसेस लिए थे ना, उनमें से मैं एक पीस ले लूँगी यहाँ से, और यहाँ पर मुझे राउंड राउंड में ऐसे गुलाई करना है। ऐसे मैं 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर गुलाई कर रही हूँ। अब मैं इस गुलाई को कट कर दूँगी। तो ये मैंने पीस गुलाई में कट कर लिया है। अब हम अपना ये वाला पीस लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 इंच की दूरी पर ये लाइन लगा रखा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लाइन लगा रखा है ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर अटैच करेंगे। तो ये जो इसका लाइन है, ये वाला जो लाइन है ना फर्स्ट वाला, इसको इसके साथ मिलाते हुए कॉर्नर के साथ हम अटैच करेंगे। इसके ऊपर ऐसे करके रख लीजिए सिलाई के ऊपर और इसको अटैच कर दीजिए। देखिए मशीन से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसको देखिए ऐसे मिलाते हुए आपस में हम इसको ऊपर सिलाई दे देंगे। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। ऐसे ही हम बाकी दो पीसेस जो है ना हमारे, उसको भी अटैच कर देंगे। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है अंदर से। तो जो बाकी के दो पीस है वो भी हम ऐसे ही करके अटैच कर लेंगे। तो ये मैं दूसरा वाला पीस इसका अटैच कर रही हूँ, उसके बाद ऐसे ही करके हम इसका तीसरा पीस भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये वाला पीस भी अपना अटैच कर लिया है। ये दोनों पीस मैंने अटैच कर लिए, जो तीन पीस दिए थे ना वो तीनों पीस मैं अटैच कर लिए। अब इसके बाद हम अपना लास्ट वाला जो पीस है ना वो लेंगे और इसको भी अटैच कर देंगे, ऐसे ही जैसे हमने दूसरे पीस अटैच किए हैं। और जो ये बाकी बचा हुआ पीस है इसको हम कट कर देंगे। चाहे तो हम पहले ही इसके एक्स्ट्रा पीस को कट कर देंगे, नहीं तो इस पीस को सिलने के बाद भी हम इस एक्स्ट्रा पीस को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कोर को अटैच कर दूंगी। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आप दूसरी कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की बनाई हुई। मैंने यहाँ पर रेडीमेड कोर का यूज़ किया है। ये देखिए काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एज अ आसन की थी यूज़ करना है, आप इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारी बहुत सारी पॉकेट्स हैं। तो ये देखिए मेरी फर्स्ट पॉकेट है जिसमें मैंने आसन रखा है, ये सेकंड पॉकेट है, ये थर्ड पॉकेट है, और ये हमारी फोर्थ पॉकेट है।
ये फिफ्थ पॉकेट है और ये सिक्स्थ पॉकेट है। और ये मैंने इसके साथ का आसन बनाया है। जो आसन है उसका मेजरमेंट मैंने यहाँ पर 20 बाय 20 इंचेस रखा है। और जो कोर है जितनी आसन पर लगेगी उतनी आप लगा लीजिए। तो आपको मेरा आसन किट का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मेरा और भी वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।